हेलो गाइस, माय नेम इज पवन नागर एंड यू आर वाचिंग एंड मैटर। सेल्फ नोट्स तो बहुत से स्टूडेंट बनाते हैं, पर सेल्फ नोट्स बनाने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट उनका एकदम सही तरीके से एग्ज़ाम्स में, वाइवा में या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम्स में यूज नहीं कर पाते हैं। एंड इसी के साथ साथ जो भी उन स्टूडेंट के फ्यूचर आइडियाज होते हैं उनमें भी वह इतना कॉन्फिडेंस से वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सेल्फ नोट्स बनाने के साथ साथ उनका सिस्टमेटिक अरेंज होना भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि जब भी आप इन फ्यूचर रिवीजन करो तो ऑफ़ कोर्स आपको सारा एकदम सिस्टमेटिक अरेंज मिले ताकि आपका रिवीजन स्पीड से हो सके। इसी के साथ साथ एक सिस्टमेटिक नोट्स अरेंजमेंट कैसे स्टूडेंट के माइंड स्ट्रेस को कम कर सकता है। माइंड स्ट्रेस से मेरा मतलब लाइक स्टडी प्रेशर या फिर एग्जाम प्रेशर हो गया, एंड उस स्टूडेंट के फ्यूचर आइडियाज में कैसे हेल्प कर सकता है, इसके बारे में भी हम वीडियो में आगे आपसे बात करेंगे। एंड यहाँ पर स्टूडेंट से मेरा मतलब ओवरऑल सभी स्टूडेंट से है, चाहे वह कोई भी नीट प्रिपरेशन कर रहा हो, जेई प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर इन कॉलेज लाइफ में हो। ओके, एंड देखिए, ये तो कॉमन सी बात है कि अगर हमें सिस्टमेटिक नोट्स को अरेंज करना है, स्पीडली रिवीजन करना है, तो पहले हमारे पास खुद के बनाए हुए नोट्स तो होने चाहिए। एंड नोट्स का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, या तो आप हमारी TCML की वीडियोस देखकर डायरेक्ट नोट्स बना सकते हैं या फिर आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं। ओके, बट मैं बस न्यू प्रेफर करूँगा कि जो भी आप नोट्स बनाएं उसे हमारे जैसे ही बनाएं जैसा कि TCML अपनी वीडियोज में बनाता है, चार्ट्स की फॉर्म में नोट्स बनाता है। ओके, वन पेज चार्ट्स की फॉर्म में नोट्स बनाता है, तो आप खुद भी कुछ इसी प्रकार से, इसी टाइप से नोट्स बनाएं ताकि हम उन्हें एकदम ढंग से अरेंज कर सकें और फिर जो हमारा एम है स्पीडली रिवीजन करना, एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस करना, उसे हम गेन कर सकें। हम वीडियो के आगे वाले पार्ट को कि हमें नोट्स कैसे अरेंज करना है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि अदर स्टूडेंट कैसे नोट्स को अरेंज करते हैं, एंड देन फिर हम हमारा बताएंगे कि हमने जो भी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हमारा क्या मेथड है सब्जेक्ट वाइज नोट्स को अरेंज करने का। तो आते हैं पहले अदर मेथड्स पर। अदर मेथड्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई कॉपी लेंगे, सब्जेक्ट वाइज कॉपी बनाएंगे, लाइक मेरी ये सर्जरी की कॉपी है, लाइक मेरी ये मेडिसिन की कॉपी है, लाइक मेरी ये गायनी की कॉपी है, कुछ पैथो की बनाएंगे, तो सब्जेक्ट वाइज उनकी कॉपियाँ होती हैं। तो नो प्रॉब्लम यार, सबका अपना अपना होता है। ओके, तो आप कॉपी के फॉर्मेट में भी नोट्स अरेंज कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप इसे बुक समझिए, तो लाइक अभी कोई बंदा शोक टॉपिक पढ़ रहा है तो शोक के बगल में ही उसे लगा कि यार इसमें 3-4 लाइंस कम हैं, तो वो यहाँ पर ही कागज़ चिपका लेगा और उन 3-4 लाइंस को उस कागज में रख लेगा ताकि जब भी वो इन फ्यूचर शोक टॉपिक पढ़े तो उसको सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए। कुछ इन फ्यूचर बुक के अंदर कोई अनीमिया पड़ रहा है, उसे 2-3 पॉइंट कम ज़्यादा लगे, तो वही क्या करेगा, साइड में कागज चिपकाएगा अनीमिया के, एंड यहीं पर सारा साइड में कागज चिपका लेगा ताकि उसे सारा सब कुछ एक जगह पर मिल जाए। ओके, तो आप एक कॉपी के अंदर भी नोट्स बना सकते हैं, बुक के अंदर भी आप अपना सारा अरेंज कर सकते हैं ताकि आप रिविजन के टाइम ओनली अपनी कॉपी का यूज करें, ओनली अपनी बुक का यूज करें। एंड जो हमारा मेथड है वो इन दोनों से हटकर है, क्योंकि मैं आपको प्रेफर करता हूँ वन पेज चार्ट्स। ओके, तो अब आते हैं हमारे खुद के मेथड पर। हाँ, तो हमने यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हमारे नोट्स रखे हैं, यहाँ पर सारे के सारे एनाटॉमी के हैं, ये सर्जरी के हैं, ये माइक्रो के हैं, एंड ये बायोकेमिस्ट्री के हैं, एंड इन सभी का जो नोट्स अरेंजमेंट है वो लाइक वैसा ही है जैसा आप लैपटॉप या पीसी में उसका इंटरनल स्टोरेज का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो। मतलब कि आपने जब भी लैपटॉप का इंटरनल स्टोरेज कभी ओपन किया हो तो आप क्या देखते हो, सबसे पहले लोकल डिस्क CDEF मिलेगी, देन उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे, देन उसके अंदर बहुत सारे सब फोल्डर्स मिलेंगे। तो इन्हीं 3 स्टेप को फॉलो करते हुए हमारे नोट्स को अरेंज करते हैं। लाइक सबसे पहले पॉइंट में क्या होगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, सेकंड पॉइंट में क्या होगा कि उस सब्जेक्ट में भी क्या पढ़ना है, एंड देन थर्ड पॉइंट क्या होगा कि उस सब्जेक्ट के भी उस टॉपिक में भी आपको क्या पढ़ना है। आई होप आप पक्का समझ नहीं पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए हम पहले माइक्रो का एग्जाम्पल लेके आपको सारा समझाते हैं, एक सब्जेक्ट का ले लेते हैं ताकि सारा कवर हो जाए, क्योंकि मैंने बोला कि सबका जो अरेंजमेंट है वो एकदम सेम है। ओके,
ये मैंने रख दिया सारे के सारे साइड में। अब आते हैं माइक्रो पर, तो देखिए वही तीन स्टेप यहाँ बताते हैं। सबसे पहले हमें पढ़नी है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो में भी सेकंड पॉइंट में आएगा कि माइक्रो में भी क्या पढ़ना है, लाइक आपको इम्यूनो पढ़नी है, लाइक आपको जर्नल पढ़नी है, लाइक आपको वायरो पढ़नी है, लाइक आपको बैक्टीरियो पढ़नी है। एंड जो ये अलग वाला अननेम्ड फोल्डर है, इसके अंदर हम उन टॉपिक्स के चार्ट्स रखते हैं जिन पर हमारी टीम अभी वर्क कर रही है या फिर जिन पर हमारी टीम का अभी डिस्कशन बाकी है, मतलब कि अभी चार्ट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, काम चल रहा है, तो उस टाइप के टॉपिक्स आएंगे हमारे इस वाले अननेम्ड फोल्डर के अंदर। तो ऑफकोर्स ये माइक्रो का सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एंड आते हैं थर्ड पॉइंट पर कि बैक्टीरिया में भी क्या पढ़ना है, वायरस में भी क्या पढ़ना है। तो मैं यहाँ पर इम्यूनोलॉजी का एग्जांपल लेता हूँ कि इम्यूनो में भी हमें क्या पढ़ना है, लाइक कून स्ट्रेस पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे पढ़ना है, अलाइजा पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको। तो वहीं इसके अंदर भी हमारे आपको सारे के सारे फाइनली इसके अंदर आपको हमारे सारे के सारे वन पेज चार्ट मिलेंगे, क्योंकि हमने आपको बोला कि हमारा एम क्या होता है, टॉपिक को वन पेज के अंदर करना, वन पेज के अंदर चार्ट बनाकर करना। तो वहीं ये हमारे चार्ट हो गए, ये हमारा कून्स टेस्ट वाला चार्ट हो गया, यहाँ पर ये हमारा इल्क्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट हो गया, यहाँ पर अदर टॉपिक्स हो गए। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे वन पेज चार्ट मिल जाएंगे। ओके, तो वही सब्जेक्ट में भी क्या पढ़ना है, और उसके अंदर फाइनली तीसरे पॉइंट पर आएंगे कि उस सब्जेक्ट के अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मतलब कि हम थर्ड पॉइंट के अंदर आते हैं हमारे चार्ट पर। ओके, तो ये ओवरऑल हमारा सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन था कि हमारे नोट्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। एंड देखिए सिमिलर यही सीक्वेंस हम सभी सब्जेक्ट्स में फॉलो करते हैं। ओके, तो इनको एकदम कवर करने लग देते हैं, ये एकदम पैक। ये मेरा खुद का पर्सनल सारा का सारा नोट्स अरेंजमेंट का सिस्टम था कि मैं मेरे खुद के नोट्स किस हिसाब से सब्जेक्ट वाइज अरेंज करता हूँ। एंड देखिए इसके मुझे 3 मेन बेनिफिट हुए हैं, वो क्या, सबसे पहला कि स्पीड, इससे इस टाइप के अरेंजमेंट से मेरी खुद की रिवीजन स्पीड बढ़ी है। वो कैसे है, क्योंकि आप जब भी आपने कोई सब्जेक्ट चूज किया कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, सब्जेक्ट में भी टॉपिक पर आए, टॉपिक में भी क्या चीज़ पढ़नी है उस पर आया, तो ऑफकोर्स आपको उसके अंदर आपको ऑफकोर्स अभी इस पर आएगा आप, तो इसमें आपको क्या है 3 या 4 पेज मिलेंगे। 3 या 4 पेज के हिसाब से देख लीजिए, अगर 4 पेज है तो 1 पेज के 15 या 20 मिनट मान लीजिए, तो मैक्सिमम खींच के 1 घंटा या 1.5 घंटा में आपका रिविजन हो गया। अगर 1 या 1.5 घंटे में अगर आपका रिविजन हो गया तो आपका आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि यार क्यों ना मैं ओल्ड टॉपिक को भी पढ़ूँ, उनके सेल्फ नोट्स बनाऊँ और उन्हें इस तरीके से अरेंज करूँ ताकि मेरे वो टॉपिक क्लियर हो एंड मेरा फ्यूचर भी सेफ हो। क्योंकि यार नोट्स क्या है, दिस इज़ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, अगर आपने एक बार बना दिया तो यार पूरे फ्यूचर आपके काम आएंगे लाइफ में। ओके, तो वही, तो मेरे इससे इस टाइप के अरेंजमेंट से मेरी रिविजन स्पीड भी बढ़ी है, मेरे न्यू टॉपिक को स्टडी करने की स्पीड भी बढ़ी है। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया स्पीड। सेकंड पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स यार अगर आपका रिवीजन स्पीड बढ़ रही है, आपको न्यू टॉपिक को पढ़ने का आपका मन कर रहा है कि यार मैं न्यू टॉपिक भी ऐड करूं, तो ऑफ कोर्स आपका टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, और अगर टाइम मैनेजमेंट होगा तो थर्ड पॉइंट ऑटोमेटिक आपके पास होगा, वो क्या, कॉन्फिडेंस लेवल। ओके, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे है, क्योंकि यार अगर आपका रिवीजन स्पीडली है, आपका टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, तो ऑफकोर्स आपको एग्ज़ाम में एकदम कॉन्फिडेंस आएगा कि यार चलो ठीक है कभी भी एग्ज़ाम करा दो, मुझे सब आता है। एंड एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस हो गया, या फिर बोल दीजिए वाइवा कॉन्फिडेंस। ऑफकोर्स यार आपने अगर नोट्स बना रखे हैं, अरेंज कर रखे हैं, तो ऑफकोर्स वाइवा में भी आपका कॉन्फिडेंस आएगा। एंड थर्ड की बात करते हैं तो फ्यूचर कंपटीशन एग्ज़ाम्स, देखिए वो भी सेफ है आपके, क्योंकि मैंने बोला ना नोट्स दिस इज़ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट। ओके, एंड देखिए जो कॉन्फिडेंस है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइफ में। आप कैसे भी कुछ भी काम कर लो, अगर आपके माइंड के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आप उस काम को इतना ढंग से नहीं कर पाओगे। एंड कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप खुद करके देखोगे, क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया कि सेल्फ नोट्स बनाओ, उन्हें इस तरह से अरेंज करो, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करोगे तो मेरे इतने बोलने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। एंड ये सारा का सारा था हमारा नोट्स अरेंजमेंट, कि मैं मेरे खुद के नोट्स किस तरीके से अरेंज करता हूँ। एंड मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आपको वीडियो थोड़ी पसंद आई होगी। एंड अगर वीडियो में थोड़ा दम लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना, ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। बाय।